मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर। जमाना हमसे मसावाद के सबक सीखे, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई लास्ट नहीं, रानी हो या मेहतरानी हो, निगाहें इश्क में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं। ओहो, क्या बात है नवाब साहब। आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे स्वर्ग फिल्म के प्रोड्यूसर जो है हमारे राम अवध प्रजापति जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म स्वर्ग के बारे में? अपनी स्वर्ग पिक्चर तो काफी अच्छी बात, पहला दिन डबिंग का चल रहा है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि काफी अच्छी पिक्चर बन रही है। और हमारे साथ कल्लू जी डायरेक्टर जी बहुत हेल्प और मदद कर रहे पिक्चर में। और हमारे जो हीरो हैं कल्लू जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका तो मेरे पहली मूवी में उन्होंने काम किया हुआ है और काफ़ी अच्छा उनका टैलेंट और अच्छे यंग ब्लड है और काफ़ी अच्छे हमारी उम्र के हैं, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हो। आदित्य मोहन जी के बारे में और साथ ही साथ जो हमारी फिल्म की एक और हीरोइन प्रिया शर्मा जी है, उन सबके साथ आपने काम किया, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? काफ़ी अच्छा लगा उन लोग के साथ काम करके, काफ़ी मज़ा आया। आइए अब मैं आप सबको लेके चलती हूँ जो हमारी ये खूबसूरत सी मूवी बनी है स्वर्ग, उसके डायरेक्टर साहब के पास जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए। सर, हमारी ये जो फिल्म बनी है स्वर्ग, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैं तो सब जानती हूँ, ऑडियंस को कुछ बताइए। ऑडियंस को सबसे पहले हमारा नमस्कार। ये फिल्म बहुत हम लोगों ने मिल के मेहनत किया और आज इस लायक बनाया है कि कोई भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकता है। और इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, जैसे इस वक्त निशा दुबे जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया। इनका दो लुक आप देखेंगे, एक प्यार का और एक प्यार से हद से गुजर जाने का। तो सर, आप भी हमारे दर्शकों को बताइए कि मूवी कैसी है, हम फैमिली के साथ जा सकते हैं? नहीं, हमने आज तक जितने भी फिल्में डायरेक्ट की हैं वो बहुत साफ सुथरी की है और ये हमारे लिए फिल्म जो है एक मील का पत्थर हो गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया कि शायद मैं कॉमेडी अच्छा डायरेक्ट कर सकता हूँ, इमोशन नहीं। लेकिन ये फिल्म आप लोग जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इमोशनल डायरेक्टर भी बन गया हूँ। हम जो पर्दे पे दिखते हैं उसे तो सब लोग देखते हैं, जो लेकिन पर्दे पे नहीं दिखता है उसके बारे में भी कुछ जाना जरूरी है। तो हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं राजेश पटेल जी, आइए। मेरा सबसे पहला सवाल जो मैं सबसे पूछती हूँ, आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा? निशा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और इनके साथ मैं फर्स्ट टाइम काम किया हूं, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। सारे यूनिट कोऑपरेट किया, निशा जी तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। हाँ ज़रूर ज़रूर। जमाना हमसे मसावाद के सबक सीखे, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई लास्ट नहीं, रानी हो या मेहतरानी हो, निगाहें इश्क में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं। ओहो, क्या बात है नवाब साहब, इसीलिए तो इन्हें इंडस्ट्री का नवाब साहब बोला जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये इंटरव्यू देख के, और मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में आऊंगी दोबारा अपने फिल्म के रिलीजिंग की डेट लेके। तब तक के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, देखते रहिए प्लेनेट भोजपुरी और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू सो मच। प्लैनेट भोजपुरी।